आपको बस्ती के नीचे ही है, इधर से देखो इधर का। हाँ पानी वाला ही है, पानी वाला सांप ही है, बोला था मैंने। तो दोस्तों हम आए थे श्रीराम कॉलोनी और यहाँ से हमें फिर से एक पानी वाला सांप, इंग्लिश में इसे चेकर्ड किलबैक कहा जाता है। बार बार आपको हर वीडियो में हम बताते हैं कि ये सांप बिल्कुल भी विषैला और जहरीला नहीं है और इसको पहचानना भी काफ़ी सरल है। और इसको अब एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि ये जो सांप होता है इसके चेहरे के ऊपर आपको ब्लैक और येलो कलर के चेक्स दिखेंगे, स्क्वेयर्स, और इसका कलर जो होता है वो हरे कलर में ये होता है। ये सांप बिल्कुल भी विषैला और जहरीला नहीं होता है। हर बार हर जगह हम आपको ये बात बताते हैं, ये सांप आपके घरों के आसपास रहने वाले ही सांप हैं, इनसे बिल्कुल घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ अपना खाना खाने के लिए, यानी कि मेंढक, छिपकली, इस चीज़ों को खाने के लिए आते हैं और वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं, तो इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको पास से दिखा रहे हैं, और दोस्तों अगर ये सांप गलती से काट भी ले तो किसी इंसान की मौत नहीं होती, केवल आपको टिटनस ना हो इसके लिए आपको एंटी टिटनस का जो है इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। कोई सेप्टिक ना हो इसके लिए आपको एक ATS यानी कि टिटनस का इंजेक्शन आपको लगाना होता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए इसको सब जने पास से, पहचानना बहुत सरल है इसको, जैसे चेक्स होते हैं ऐसे दिख रहे हैं इसके ऊपर चेक, ब्लैक कलर और येलो कलर में। तैयार था पिछली बार भी मैं आया था, जब आपने घर पे नहीं तैयार था, सांप ही निकला था मेरे घर में अंदर, यहाँ से कहीं से पकड़ा था शायद मैंने ये, आप मेरे घर में यहाँ पर। नर और मादा दोनों थी, आपके घर भी गया था, आपके पापा शायद तो बोले बाहर गए।